सनी राम लडिया। अच्छा, और इसके मालिक है ना वो यहीं रहते हैं बाकायदा। और वो जो आप बता रहे हैं ना ओपन आर्ट के लिए, ये विजिट करेंगे पहले। ये अलग अलग कितने फोन पर मार लो सर से इसके लिए। चलो ये वाली जो पेंटिंग है दीवार पे और ये ओरिजिनल है। यहाँ आता है वो आता है यहाँ बताओ। ये जो कमरा है इसके ऊपर जितना भी जो ये पेंटिंग चित्रकारी है ना ये ओरिजिनल है। ये हवेली है 180 साल पुरानी। क्या नाम है हवेली? ये हवेली का नाम है सनी राम हवेली। और प्लस ये जो पेंटिंग है ये उसके बाकी बनाई हुई है। और इस जो कमरे के ये जो खिड़कियाँ ये गेट वगैरह ना ये हरदम एक्चुअली बंद रहते थे तो इस वजह से ये बारिश वगैरह दो वगैरह नहीं आती। ये रास्ता कैसे हैं सारे जो गेट है? एक्चुअली ये छोटे छोटे कमरे होते पहले कौन है? हाँ बिल्कुल। और ये होते थे स्टोर रूम ओबरे तो पॉटरी बोलते हैं ना। हाँ 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 वो स्टोर रूम। स्टोर रूम तो ये ऐसे एक रूम था पहले यहाँ जो है ना रेलियों के सामान थे ना सेट लोग वो यहाँ बैठते उनकी मीटिंग होती थी किसी बिजनेस के लिए। और उनकी जो औरतें वगैरह होती थी ना वो आँखों से देखती थी और सुनती थी कहाँ से जैसे वो बाहर वो सीढ़ी है ना उधर से डेली रूप पर आके ऊपर बैठते थे। और ये हवेली के जो मालिक है ना जो रेल में जो मालिक की सवेली है दो भाई वो तो सामने दो फोटो वो है इसके मालिक। नाम बताओ? सनी राम लडिया। आप ऊपर भी ऊपर भी आप फोटो वगैरह क्या ये यहाँ से सुनती थी लेडी जेंट्स क्या बात कर रहे हैं नू करके मतलब ये आदत पुरानी है, है? पुरानी चल रही है वो आदत है। हाँ नोक जोक करने की हाथ का काम है लकड़ी से सर ये सब लोकल। ये क्या है? ये तो एक्चुअली वो हवेलियों से लाए हुए मूर्तियाँ वगैरह है कोई आदमियों की जैसे कॉपी होती है ये एक्चुअली सेल करते हैं। लकड़ी का है? हाँ लकड़ी का है। ये जो होता था मिर्ची कोट में उखड़ उसल ये अंदर का कोट या आटा हवेली का ये औरतों के लिए होता था। इनको फिर आप वो मेंटेन क्यों नहीं करते ब्रश वरसों लगा के? ये एक्चुअली मेंटेन ब्रश लगाने के बाद में हमारे यहाँ को देखते नहीं है टूरिस्ट आते हैं विदेशी वो नए तो खुद ही तो इनको चमका साफ सफाई तो चाहिए ना। अब आपने हमसे 400 रुपए फीस लिया है किस बात के लिए? वो चमका नहीं सकते इसका क्यों नहीं? ये एक्चुअली अगर तो नया हो जाएंगे ना इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अरे पित्तल होगा ये तो पित्तल तो फिर लंबा चलेगा अगर इसको साफ रखोगे तो। आप इतने छोटे छोटे क्यों है ये छोटे छोटे गेट इसलिए आदमी छोटे थे नहीं आदमी छोटे ने उस जमाने में एक दूसरे की इज्जत करते थे रेस्पेक्ट हर झुक के घुसते थे अंदर। ये रसोई है? एक भाई ये होता था मंदिर और तो कुछ होता नहीं ठीक। ये वाला बेडरूम क्या नाम बताया इस हवेली का? सनी राम लडिया। अरे हवेली का? हवेली का ये तो सनी राम हवेली सनी राम लडिया हवेली। हाँ हवेली बाहर तो कुछ और लिखा हुआ है? नहीं वो तो जो जिन्होंने जो हवेली खरीदी ना हाँ वो है एक्चुअली सेकंड मालिक। अच्छा खरीद रखी उसने? खरीद रियल ओनर नहीं है वो? रियल 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 मालिक। ये
इनको बुला लो, ये वो कमरा दिखा रहे थे बढ़िया। क्या है ये? एक्चुअली रूम है, बेडरूम था पहले। ये दोयार कसूतों का चौखट इतनी छोटी छोटी है। ये बेडरूम पहले ऐसे होता था, बेडरूम। वाह भाई वाह। ये वाला जितना काम है ये नेचुरल काम है और ओरिजिनल काम है, वेजिटेबल कलर यूज किया हुआ है इसपे, इस पे कोई केमिकल काम नहीं है। कितने साल पुरानी हो गई है ये? है 180 साल। ये तो अभी नहीं है। अच्छा वो रूम देखो, वो सर इसी अवेली में। और ये जो चौक है ना, यहाँ एक ना पुरानी मूवी बनी थी अजय देवगन सैफली खान की, कच्चे धागे। इसी एरिया में बनी थी, इसी पुरानी में। उसमें अजय देवगन का वो लोहार का घर होता है ना, वो यहीं बना था। और एक वो सलमान खान की मूवी बनी है गुड़गांव में, पतली की भाई का, उसके अंदर वो एक वो नहीं था ढाबा, वो खाने का ढाबा। हाँ हाँ, वो इस अवेली के बाद। और मस्जिद वो सलमान खान ने वो नहीं भाई जान, वो पाकिस्तान एरिया नहीं है, वो स्कूल बच्चों का ओमपुरी बैठता है। हाँ, वो एक गेट होता है लोहे का बड़े वाला। हाँ, वो आगे पॉइंट है वो। हाँ चलो। और एक वो आमिर खान की बनी थी, पीके वो भी आपने आपने देखा। ऊपर आ जाओ। आओ मैडम जी, प्लीज वो एक क्या नाम सर, ये जो बच्चे हैं इनका नाम ना प्लीज ऊपर के सर थोड़े लेजर है, वैसे छोटी छोटी नहीं है ये, इनको सही ये जो ये रहने के लिए पड़े हुए। लेकिन ये जो अवेली है थोड़ा ध्यान से दिया है, दीवार के साथ साथ। ये तो हवेली है, इसके करीब भी इतने भी कमरे हैं, इतने बड़े बड़े नहीं आते। इसमें कपड़ा कैसे बैठ कैसे कर लेगा? वाह, क्या आर्किटेक्चर है। ये वाला अच्छा, ये लेवल ऐसे क्यों है? अच्छा इधर आ जाओ ध्यान से। ये भी ऐसी है, चलो बात के देख लो। चलो दीवार के साथ साथ, दीवार के साथ साथ। चलो 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 चलो। मेरे तो सबसे बड़ा हो गया। बस बैठने जा। आप यहाँ बैठो। 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 लग रहा हूँ। चल इनकी फोटो उतार दे तू। कैमरा कितना है? तेरा फोन कड़ा है। अच्छा इसमें क्या है, दो पार्ट है, ये वाला पार्ट ना ले। हाँ ये तो बंद है। हम इस सम रुक रहे हैं। नहीं हम उस वाले में रुके हैं, नए वाले में। और वो जो सेकंड पार्ट है ना, वो होटल है कैसे? ये क्यों बंद कर रखा है? ये बंद इसलिए कर रखा है, ये जो फोर्ट में किला। हाँ। ये है चार भाइयों की प्रॉपर्टी। अच्छा दो भाइयों ने जो बंद कर रखा है, दोनों को बंद रखा है, दोनों ने मेंटेन भी नहीं कर रखा है। जर्मनी लिखा है ना। चलो बट लिए ये क्या है?
और यहाँ पर इधर संजय दत्त का जुगाड़ आता है, यहाँ पर एक्सीडेंट होता है और यहाँ गिरता है, यहाँ गिरता वो यही जगह किनाली में यहाँ पे। आपने कौन सी फिल्म में काम किया है? मैंने तो कोई 40-45 शूटिंग में काम किया, पीछे में बजरी बैठान में। पैसे देते थे कि ऐसे ही फ्री में? हजार रुपए रोज के देते थे? देखो मिमी की भी तो ही थी, कच्चे राजे में काम किया था, कच्चे अजी देव से भी काम की 300 रुपए के हिसाब से। और कौन सा सीन होया रे? और यहां पे वो पीके के अंदर वो लाल की दुकान है। हां हां, ये बंदा से भी 1000 रुपए दिन के तो थोड़े हैं यार। 1000 रुपए रोज का ही मिला जो और शूटिंग में कॉल में दे दी और वो तो 500-600 बस। देखो गाड़ी आ रही थी, ये तो बहुत थोड़े दिया करते यार तुमने पैसे। वो सीन क्यों काट दिया सलमान खान जो पानी लेने आया था? ये रोल आता तो और भी अच्छा हो जाता है, कई कई पिक्चर में रोल भी है। अच्छा, आगे में हम रोल भी है। आपका रोल है कै मिनट का है? गदा गाड़ी का रोल है। वो नहीं होती गदा गाड़ी। हाँ, उसका उनका ऐसा नहीं है। वो से लेकर आ रहे, से वो चलो भाई बहुत बढ़िया बात है।